तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस टू माय चैनल और आज मैं आपको सिखाने वाला हाउ टू डू ए साइड फ्लिप। साइड फ्लिप का पूरा डिटेल ट्यूटोरियल बना हो, तो गाइस बने रहो वीडियो में एंड तक। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी फ्लिप सीखने में प्रॉब्लम होता है तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से जाकर आप अपना वीडियो सेंड करो। मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो एंड जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसको यूज़ करके अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो गैस उस फ्लिप को आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे। और गैस अगर आपके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो गैस आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप में ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गैस चलिए लेट्स बिगन द वीडियो। साइड फ्लिप गैस बहुत ही ईजी एक चीज़ है। अगर आपको गैस फ्रंट फ्लिप आता है तो आप बहुत ईजिली साइड फ्लिप कर लोगे। मतलब आपको जस्ट फ्रंट फ्लिप ही करना है एंड बॉडी को जो है फ्रंट फ्लिप में हल्का टर्न कर देना है। धीरे धीरे आप अगर बॉडी को धीरे धीरे टर्न करते रहोगे तो आपका उधर से साइड फ्लिप हो जाएगा। अब अगर आते हैं आपको कि आप अगर आपको फ्रंट फ्लिप नहीं आता है तो गाइस अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, तो गाइस अगर आपको फ्रंट फ्लिप आता है तब भी आप उस ट्रिक को यूज़ करके जो है साइड फ्लिप कर सकते हो एंड अगर आपको फ्रंट फ्लिप नहीं भी आता तब भी आप उस ट्रिक को यूज़ करके साइड फ्लिप कर सकते हो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको करना होगा साइड रोल। इस तरीके से आपको साइड रोल करना है। जितना आप साइड रोल करोगे आपका साइड फ्लिप आपको साइड फ्लिप करने में उतना आसानी होगी, ठीक है। अब साइड रोल करने से आपको हवा में बॉडी मतलब हवा में साइड फ्लिप कैसे करना है उसका मोमेंटम आपको पता चलता रहेगा। तो गाइस अब ज़्यादा से ज़्यादा इस साइड रोल का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो गाइस अब आते हैं हमारा स्टेप टू। तो गाइस स्टेप टू में आपको सबसे पहले एक पैर सामने, ठीक है, मतलब एक पैर सामने, देन आपको एक जंप करना है इस तरीके से एंड हाथ का मोमेंटम कुछ इस तरीके से आएगा एंड यहाँ से आपको ऊपर एक जंप करना है एंड आपने टक पकड़ना है, ठीक। देख लीजिए 1 2 3 ओके। तो गाइस अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इन दोनों को मिलाना है। मतलब आपको जो ये वाला हुक ले रहे थे हल्का रनिंग लेना है, देन दौड़ के आपको ये वाला सेम ये पोजिशन आएगा एंड देन आपको यहाँ से साइड रोल करना है एंड साइड रोल में हल्का जंप यूज करना है। हल्का 1 इस तरीके से आना है एंड साइड रोल करना है, हल्का जंप यूज करना है। पहली बार आप गिर जाएंगे, गिरना जरूरी है, अगर आप गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। सब कोई गिरता है तो गाइस आप भी गिरेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो जगह थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा चोट ना लगे। तो गाइस अब आते हैं हमारा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में गाइस जो आप कर रहे थे वही सेम चीज़ आपको करना है, लेकिन आपको थोड़ा और ज़्यादा जंप को यूज करना है, ठीक है। अरे 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 अरे। तो गाइस अब आते हैं हमारा स्टेप नंबर 5। अब गाइस आप ऑलमोस्ट साइड फ्लिप कर चुके हो, अब गाइस आपको लैंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपको खड़ा होने के लिए सबसे गाइस अभी आपको जो है इसमें प्रॉपर हाइट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा रनिंग लेना है, ठीक है। पहले पहले जब आप करोगे तो थोड़ा ज्यादा रनिंग ले लेना। तो आप रनिंग लेके इस पोजीशन में आए, अभी आपको बॉडी को पूरा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। बॉडी जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, जितना ऊपर गया बॉडी, ठीक है, वो पोजीशन होगा आपको घूमने का। मतलब बॉडी पूरा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर टक पकड़ेंगे एंड देन लैंडिंग इजी। गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैं पूरे वीडियो में कहीं पर भी स्टंट नहीं किया, क्योंकि गाइस मेरा हाथ में जो है दर्द है इसलिए मैं स्टंट नहीं कर पाया। मेरा दोस्त आज जो है सारा स्टंट करके आप लोगों को दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहेंगे। चलिए गाइस हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।